हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, संडे इवनिंग में बनाई थी दीदी ने मटर की चाट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो शेयर की है मटर की चाट की, तो मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं, तो देखिए यहाँ पे इमली का पानी, हरी मिर्च, बॉयल आलू, प्याज बारीक कटा हुआ, अदरक बारीक कटी हुई, और जो घर में बनाया है चाट मसाला वो। तो देखिए यहाँ पे टमाटर कटे हुए, बारीक कटे हुए, और यहाँ पे जो हमारी चाट है वो हमने अच्छे से घोट रखी है, खड़ी चाट नहीं है हमारी। और यहाँ पे नान का आटा भी तैयार कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो मेन चीज़ें होती हैं, इसी से बनकर हमारी अच्छी तैयार होती है बाज़ार वाली मटर की चाट। तो देखिए यहाँ पे एडी की चाट बन रही है। नमक मिर्च, एडी के तो हमने थोड़े थोड़े सारे मसाले डाल दिए थे, क्योंकि उसको ज़्यादा मसाले टेस्ट पसंद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए उसकी थाली तैयार हो गई है बनकर। तो यहाँ पे नान और चाट बनकर हो गई तैयार। अब बनाएंगी दीदी मेरी चाट। तो देखिए मैंने अपनी कैसे मैंने सारी चीज़ें डाल रखी हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चाट ली है, उसके बाद डाल दिए यहाँ पे प्याज। तो इस तरीके से आप बनाइए घर में, सारी चीज़ें डाल के बहुत ही टेस्टी बनती है। यहाँ पे हरी मिर्च डाल दिया, अदरक डाल दिए हैं, बॉयल आलू डाल दिए हैं, और इमली का पानी डाल दिया है यहाँ पे। अब जो हमारी जो चटनी बनाई थी हमने हरे धनिए की, ये चटनी डाल दी है, हरी मिर्च हरे धनिए की चटनी डाल दी है, और जो घर में ही मसाला बनाया है हमने मटर की चाट का, और लास्ट में हमने डाल दिया है नींबू। तो देखिए हमने ये मिला ली है। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और खाने भी बहुत ही टेस्टी थी, बाज़ार की भूल जाएंगे आप। इस तरीके से चाट बनाइए घर में और फैमिली के साथ इंजॉय करिए। और फिर इसके बाद बनाई थी दीदी ने नान। तो देखिए नान कितनी अच्छी लग रही है देखने में, खाने में भी बहुत अच्छी बनी थी। तो आप लोग मटर के कॉम्बिनेशन के साथ बनाइए नान। तो देखिए यहाँ पे मेरी थाली लग गई है। तो मैं व्लॉग एंड करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।